हमारे भ्राता हैं गौतम कट्टर, जो देवी देवताओं को और हिंदू को और मंदिर और ये पुजारी इन सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मेरे तो वो भाई के समान हैं। तो गौतम कट्टर भाई से मेरा एक कहना है कि एक ये आचार्य प्रशांत के नाम से एक शख्स हैं, तो गौतम कट्टर भाई से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब इनको आचार्य प्रशांत जैसों को आत्मा का ज्ञान नहीं है और गीता भागवत की बात करते हैं ये, और इन सब के बावजूद भी क्या कहते हैं कि मेरी एक बनाई हुई वेदांत करके कोई किताब है। भाई एक बात है, ये वेदांत ने कहाँ से जन्म लिया कि वो कहते हैं वेदों से, तो परमपिता परमात्मा ज्ञान में कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको सोल की जानकारी होनी चाहिए कि आत्मा क्या चीज़ है। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, अलग अलग है, परमात्मा का अंश है आत्मा, है ना। और जैसे अब ये जो शख्स है भाई, आपने सिर्फ हमारी गीता भागवत देवी देवता धर्म और हिंदू शब्द इन्हीं को लेके बोलने का इतना बड़ा जो आप करते हैं ना, और आपको मैं नहीं समझता कि आपको आत्मा का परिचय भी है। हाँ, वेदों की जो बात करते हैं ना, वेद तो वैसे ही बाबा क्या कहता है, वेद किसने बनाए, हमारे जैसे देहधारियों ने, जो महेश वशिष्ठ और ये सारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो भी तो हमारी तरह देहधारी थे। तो आप वेदों की बात करते हैं, गीता की तो बात ही नहीं आपके पास, और फिर गीता के बारे में क्या कहते हैं कि आप मेरे से जानकारी लीजिए, गीता का फॉर्म भरिए, हम आपको गीता का ज्ञान देंगे। भाई अगर गीता इतनी इंपॉर्टेंट है तो तुमने वेदांत बुक क्यों बनाई, और वेदांत में कौन सा आत्मा का या परमात्मा का परिचय है उसमें? आपने जैसे आपको मैं बोलते हुए देखता हूँ ना भाई, आपको देवी देवता हिंदू के बारे हिंदू धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक तरीके से कहा जाए ना, आप देवी देवता धर्म और हिंदू विरोधी हैं। आपकी बातों में झलकता है, जो इंसान इस उम्र में स्मोक कर सकता है और जीन्स और ये टी शर्ट पहनना, ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है, ये पश्चिम लोगों की सभ्यता है। और आप सारी बातें आपकी किस पे, हिंदू देवी देवता पूजा पाठ, अरे कभी मुसलमान धर्म के बारे में तो बोलो कि उसमें हलाला का क्या अर्थ है, उसमें कि माँ का दूध छोड़ के वो सबसे शादी कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में तो बताइए। और अगर आपको ज्ञान है तो थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में बताइए कि भाई बौद्ध धर्म भारत में क्यों नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये जो भाई है ना गौतम कट्टर भाई से मेरा कहना है कि ये जो आचार्य प्रशांत, ये इतना बदतमीज इंसान है, जो भी बोलेगा हिंदू को लेके, हिंदू धर्म भाई आप तो ऐसा लगता है कि आप विरोधियाँ बहुत कर रहे हैं। और फिर आत्मा का ज्ञान गीता भागवत, तब गीता भागवत को आप कह रहे हैं फॉरम के द्वारा हमसे सीखिए, तो फिर आप वेदांत का नाम क्यों लेते हैं, और वेदांत से किसका भला है? तुम नागपुर में कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज है, आप उसकी डिग्री को दिखाते हैं। आपको पता है देवी देवता बनाने की डिग्री किसी के पास नहीं है, देवी देवता बनाने की डिग्री एक ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऑल वर्ल्ड के अंदर आत्मा का परिचय दिया जा रहा है। वो कह सकते हैं कि ये है देवी देवता बनाने की यूनिवर्सिटी जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। और बताइए आपकी डिग्री की क्या वैल्यू है? वो वैसे तो नागपुर साइड की, हमारे उत्तर भारत की नहीं है, उधर का जो आपका कल्चर है ना वो आपका होगा, हमारा तो उत्तर भारत का कल्चर है, उसमें आपने जो बातें करते हैं ना, तो उत्तर भारत को कभी ऐसा, यानी भारत को भी लेके आप कहते हैं कि भारत में रहने लायक नहीं है, तो भारत में तो आपकी दुकान चल रही है। तो ये जो ऐसे फ्रेंच कट दाढ़ी और ये स्मोक वगैरह करना, और फिर भगवान की गीता भागवत इनकी बातें करना, तो गौतम कट्टर भाई से मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस भाई को अगर नॉलेज नहीं है ना, तो ये अपनी नॉलेज ले। अब ऐसे तो इतनी बड़ी दुनिया में कोई ना कोई तो समझेगा कि क्या बोल रहे हैं। तो मेरा भाइयों से अनुरोध है, और गौतम कट्टर भाई है ना, तो आप जैसे मैंने आपका इंटरव्यू देखा, आपके द्वारा मुझे पता चला कि ये बंदा स्मोक करने वाला और ये पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनता और हमारे देवी देवता धर्म के बारे में इतना जो मन में आता है बोलता है। ओम शांति, ओम शांति।